बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइनोफ्लैजेलेट्स आर आल्सो एल्गी लाइक प्रोटिस्टा। कैसे प्रोटिस्टा है? एल्गी लाइक। वो प्रोटिस्टा जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, वो प्रोटिस्टा जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। अब हम डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में सारे फीचर्स जानते हैं। सुनना ध्यान से सारे पॉइंट्स को। जैसे ये डाइनोफ्लैजेलेट्स की बॉडी, ओके, डाइनोफ्लैजेलेट्स की बॉडी में दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजेला जो बॉडी के परपेंडिकुलर निकलता है और एक फ्लैजेला जो बॉडी को बेल्ट लाइक मैनर में कवर करता है। एक फ्लैजेला जो बॉडी से कहां निकल रहा है, 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, और एक फ्लैजेला बॉडी को ट्रांसवर्स फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, बेल्ट लाइक मैनर में कवर कर रहा है। जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स में दो फ्लैजेला प्रेजेंट हो और दोनों की ओरिजिन अलग अलग हो तो इस टाइप के फ्लैजेला को हम कहते हैं हेट्रोकॉन्ट फ्लैजेला। व्हाट इट कॉल्ड? हेट्रोकॉन्ट फ्लैजेला। अगर सेम होता तो होमोकॉन्ट। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो डाइनोफ्लैजेलेट्स डाई एटम्स की तरह मैराइन वाटर में भी होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो ये डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, जब ये वाटर में स्विमिंग करते हैं तो ये जो फ्लैजेला है ये इनको आगे या पीछे ले जाने में हेल्प करता है। जैसे ये डाइनोफ्लैजेलेट है, यहां फ्लैजेला है, अब वो ऐसे या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर। और जो ये वाला फ्लैजेला है जो चारों तरफ से कवर कर रहा है वो उसको रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट। तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर रहा है और रोटेटरी मूवमेंट भी कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस टाइप के मूवमेंट के केस में हम डाइनोफ्लैजेलेट्स को नाम देते हैं विरलिंग स्विमर। क्या नाम देते हैं? विरलिंग स्विमर। क्लियर दिस पॉइंट? ये फॉरवर्ड और ये रोटेटरी। क्लियर ये पॉइंट? दैट इज कॉल्ड विरलिंग स्विमर। अब डाइनोफ्लैजेलेट्स की जो बॉडी है उसके चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। अब सुनना ध्यान से, प्लांट्स में भी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज। यहां पर भी किस चीज की बनी है? बट डिफरेंस क्या है? यहां की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी 3D पैटर्न में होती है। किस पैटर्न में होती है? 3D पैटर्न। अब 3D पैटर्न को सिंपली समझो, जैसे ये एक लिजर्ड है और ये एक क्रोकोडाइल है, ठीक है। अगर आप लिजर्ड की स्किन को टच करोगे वो स्मूथ दिखेगी और क्रोकोडाइल की स्किन को टच करो वो रफ दिखेगी, यस और नो? उस पे स्पाइन निकले होते हैं, स्क्यूट्स निकले होते हैं, तो वो जो रफ स्ट्रक्चर है 3D पैटर्न, वैसा पैटर्न दिखाई देता है सेलुलोज का। किसमें? जबकि प्लांट में कैसी होती है? स्मूथ। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर भी सेलुलोज की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, बट जैसे एक वॉल पर 3D पेंटिंग होती है ना, उभरी हुई होती है, निकली हुई होती है, ऐसे ही यहां की जो वॉल होती है वो सेलुलोज की उभरी हुई लेयर होती है यहां पर। क्लियर ये पॉइंट? अब डाइनोफ्लैजेलेट्स में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा, फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, सिमिलर टू डाई एटम्स, बट जो डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं उनमें जो दूसरे पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसकी वजह से
मोस्टली सारे कलर के डाइनोफ्लैजेलेट्स पाए जाते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, सारे कलर के ऑर्गेनिजम्स देखे जाते हैं किसमें? डाइनोफ्लैजेलेट्स में. क्लियर दिस पॉइंट? तो डाइनोफ्लैजेलेट्स में कितने फ्लैजेला हैं? डाय मतलब टू. वन इज ऑरिजिनेट फ्रॉम परपेंडिकुलर, सेकेंड इन सर्कल इन बेल्ट लाइक मैनर. इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये मैराइन वाटर में भी रहते हैं और कुछ फ्रेश वाटर, और दे आर विरलिंग स्विमर. दे शो फॉरवर्ड एज वेल एज रोटेटरी मूवमेंट. इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है, जो प्लेट्स के फॉर्म में, 3D पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होती है. दे आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. दे कंटेन पिगमेंट्स. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दे परफॉर्म, लिखो ये सारे पॉइंट्स, राइट डाउन. डाइनोफ्लैजेलेट्स कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला. डाइनोफ्लैजेलेट्स कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, कॉमा लगा के लिखना. वन एराइज परपेंडिकुलर टू द बॉडी. वन एराइज परपेंडिकुलर टू द बॉडी व्हाइल वन एराइज परपेंडिकुलर टू द बॉडी व्हाइल अनदर अनदर फ्लैजेला कवर द बॉडी. अनदर फ्लैजेला कवर द बॉडी इन बेल्ट लाइक मैनर. अनदर फ्लैजेला कवर द बॉडी इन बेल्ट लाइक मैनर. दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला This kind of arrangement of flagella represent heterocont flagellation. Heterocont flagellation. Write down next point. Most of the dinoflagellates are present in most of the dinoflagellates are present in marine water. Write down next point. These organisms show forward as well as rotatory movement. That's why they are said to be whirling swimmer. Clear this point? Now write down next point. Dinoflagellates are of different colors like blue. Dinoflagellates are of different colors like blue, purple, red, orange, brown, etc. सारे colors होते हैं mostly. व्हाइट और ब्लैक मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि वो हमारे फेवरेट कलर्स होते हैं, हम सबसे पहले वही लिखते हैं. लिखो नेक्स्ट पॉइंट.
डायनोफ्लैजेलेट्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स द बॉडी ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स इज कवर्ड बाय सेलुलोज प्लेट्स. अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं. कुछ पॉइंट्स ही हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने हैं और ये बहुत पूछे जाते हैं. जब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स की, डायनोफ्लैजेलेट्स में एक एग्जांपल है गोनियोलेक्स. मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फॉर नीट, गोनियोलेक्स. जो गोनियोलेक्स है, जब ये वाटर में जहां पर भी प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से वहां पर वाटर का कलर रेड हो जाता है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेड टाइड्स. क्या बोलते हैं? हमने एक साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, ट्राइकोडेस्मियम एरिड्रिमम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी. बट जो गोनियोलेक्स है, डायनोफ्लैजेलेट्स है, जहां पर भी समुद्र में, ओशियन में, सी वाटर में, जहां ये प्रेजेंट होंगे, वहां का वाटर किस कलर का होगा? रेड. और वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रेड टाइड्स. तो रेड टाइड्स इज ड्यू टू वन ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट दैट इज कॉल्ड गोनियोलेक्स. गोनियोलेक्स की कुछ दूसरी स्पीसीज एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सी टॉक्सिन. क्या कहलाता है ये टॉक्सिन? वाटर में प्रेजेंट एनिमल्स की बॉडी में जाता है और वन ऑफ द एनिमल दैट इज शेल फिश, ये पॉइजन इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कलेक्ट होता है. और जब इस ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बीइंग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कौन सा पॉइजन पहुंचता है? सेक्सी टॉक्सिन, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग में एक डिसीज होती है, दैट इज कॉल्ड पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग. क्या कहलाता है? पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग. क्वेश्चन ये नहीं आता कि व्हाट इज दिस. क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वर्ड PSFP. दैट्स इट, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग. तो हम आधे घंटे से सोचते हैं हमने पढ़ा कहाँ है. ये आपके 11th क्लास में एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग. क्लियर दिस पॉइंट? तो ये पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग किस में होती है? किस चीज के खाने से? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कौन प्रोड्यूस करता है? क्लियर ये पॉइंट? थर्ड पॉइंट सुनो, जैसे कभी हम कुछ शो वगैरह देखने जाते हैं तो वहां पर कुछ ऑरेंज कलर की ऐसी पॉलिथिन्स लगी होती है ना, जो एयर चलती है तो ऐसा लगता है जैसे फायर लगी हो. देखते ना अपन छोटे मोटे शो जो होते हैं, ऐसे ही एक डायनोफ्लैजेलेट होता है, दैट इज नॉक्टिल्यूका. क्या नाम है? वाटर में प्रेजेंट होगा, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, क्या पड़ती है? तो वो इस तरीके से शाइन करता है जैसे सी वाटर में क्या लग गई हो? फायर, आग. इसीलिए हम नॉक्टिल्यूका को नाम देते हैं फायर एल्गी. अगर आप उसका ये वर्ड याद रखोगे तो आपको ये चीज याद आ जाएगी जो मैंने आपको बताई है.
क्लियर, इसका कॉमन नेम कई बार पूछा गया है, अंडरस्टूड, राइट डाउन दीज पॉइंट्स, लिखो इसमें, सम ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स दैट इज गोनियोलेक्स, सम ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स, सम ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स लाइक गोनियोलेक्स are responsible for red tides, are responsible for red tides. Some species of gonioleks also secrete, some species of gonioleks also secrete sexy toxin, sexy toxin which is consumed by shellfish, which is consumed by shellfish and when enter into the body of human being, and when enter into the body of human being produce paralytic shellfish poisoning in bracket write down PSFP. Now write down next point. Noctiluca is commonly called fire algae. Noctiluca is commonly called fire algae. So this is about dinoflagellates.